महिला को निर्वस्त्र कर सरेआम बाजार में घुमाने जैसी ऐसी शर्मनाक घटना राजस्थान में घटती है। बालकनाथ एक ऐसा नाम जिसे राजस्थान का योगी भी कहा जाता है, अब सांसद नहीं विधायक का चुनाव लड़ेंगे। कहीं ना कहीं भाजपा अब राजस्थान में भी योगी सरकार चाहती है, या कहा जाए कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी योगी जैसा सीएम चाहती है। बहरहाल ऐसा संभव तभी होगा जब राजस्थान में भाजपा इस चुनाव में अपना विजय का परचम लहराए, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं होगा। इस बार राजस्थान का चुनावी बादल किसी भी तरफ बरस सकता है, क्योंकि अशोक गहलोत की योजनाएं कहीं ना कहीं लोगों को पसंद आ रही हैं, तो जाहिर है कि इस बार का मुकाबला काफी रोमांचक रहने वाला है। अलवर के तिजारा विधानसभा से भाजपा केंद्र समिति के द्वारा राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए जारी की गई 41 उम्मीदवारों की सूची में तिजारा विधानसभा क्षेत्र से अलवर सांसद महंत बाबा बालकनाथ का नाम आने के बाद तिजारा विधानसभा में भी उठापटक होने लगी है। लेकिन राजनीतिक जानकारों का कहना है कि तिजारा से बाबा जी अपनी सीट निकाल सकते हैं, क्योंकि बाबा की अपने क्षेत्र में पकड़ है और हिंदुत्व के मोर्चे पर चुनाव में जीत दर्ज कर सकते हैं। देखिए, राजस्थान में मुद्दों की भरमार है। जिस प्रकार से पिछले 4.5-5 वर्षों का शासन रहा है, इसमें क्या क्या नहीं हुआ राजस्थान में, क्या क्या घटनाएं नहीं घटी गई। मतलब एक महिला को निर्वस्त्र कर सरेआम बाजार में घुमाने जैसी ऐसी शर्मनाक घटना राजस्थान में घटती है, तो मैं मानता हूं कि राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर और राजस्थान की सरकार वहां पर सरकार में रहने के लायक नहीं, क्योंकि कानून व्यवस्था उनका कार्य है। अगर कोई ऐसी मानसिकता का व्यक्ति भी सामने ऐसी विचार भी करता है, तो वो तभी कर पाता है जब वहाँ पर उस कार्य को करने का कुछ उसकी व्यवस्था हो, या उसका कुछ ऐसी व्यवस्था वातावरण वहाँ दिखता हो। तो वातावरण जैसा इन लोगों ने बनाया, गुंडों को संरक्षण देना, तुष्टिकरण की राजनीति करना, भिवाड़ी के अंदर, तिजारा के अंदर तो इतना व्यापक रूप से भ्रष्टाचार की सीमाएं लांघ चुके, वहाँ पर आए दिन दिन दहाड़े बैंक लूटे जाते हैं, दिन दहाड़े वहाँ तुष्टिकरण की राजनीति के माध्यम से जिस प्रकार से प्रताड़ित जनता को किया गया, भ्रष्टाचार हो, महिला अपराध हो, तुष्टिकरण की राजनीति हो, किसानों के साथ धोखा हो, युवाओं के साथ धोखा हो, विकास की जहां बात करेंगे तो विकास का कहीं कोई हाल नहीं राजस्थान में। तो इन सब विषयों को संज्ञान में लेते हुए और इन सब विषयों की जानकारी जनता के बीच में है, और जनता आतुर है उस दिन के इंतजार में जब मतपेटी में वो अपना मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करेंगे, और एक बड़ा आने वाले समय पर एक बहुत बड़ी विजय राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की होगी।